पंडुखर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के चलते अवैध शराब बेचते 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई अभियान के अंतर्गत दिए गए निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के कुशल मार्गदर्शन में, साथ ही एसडीओपी भांडेर कर्णिक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पंडुखर द्वारा कंजुआ डेरा पर दबिश दिखवाकर हाथ भट्टी की बनी करीबन 250 लीटर कच्ची शराब जब्त कर तकरीबन 5000 लीटर लाहन नष्ट किया गया। आरोपी सोनू कंजर, पति सुरेश कंजर, उम्र 22 साल, निवासी कंजुआ डेरा पंडोखर के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और करीबन 80 लीटर कच्ची शराब पर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य आरोपियों से 170 लीटर शराब जब्त कर कुल 6 अपराध पंजीबद्ध किए गए। गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी पंडोखर रिपुदमन सिंह राजावत, उप निरीक्षक मुनीम सिंह सौनी, प्रमोद पावन मलखान छावर, प्रधान आरक्षक राकेश, प्रधान आरक्षक स्वामी, प्रधान आरक्षक रमेश चंद, आरक्षक हरिमोहन, आरक्षक हरिमोहन, आरक्षक महेश, रविकांत, रामस्वरूप, राजकुमार, शैलेंद्र और महिला आरक्षक वर्षा रावत की अहम भूमिका रही। भांडेर से कमल कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।